नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। देश के जाने माने भगोड़े व्यापारी विजय माल्या एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार अपने किसी बैंक घोटाले को लेकर नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी है। विजय माल्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर देश को दशहरे की शुभकामना दी है। वैसे आपको बता दे कि विजय माल्या अक्सर बैंक्स हॉलीडे के मौके पर ही अपने होने का एहसास करवाते हैं। खैर, विजय माल्या के इस ट्वीट के बाद देशवासियों ने उनकी जमकर चुटकी ली और विजय माल्या को ट्विटर पर ट्रोल करने लग गए। किसी ने माल्या से देश वापस लौटने को कहा तो कईयों ने माल्या को ही रावण बता दिया। कुछ लोगों ने तो माल्या से यह भी पूछ लिया कि बैंक वालों को उल्लू कैसे बनाया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि यूजर्स ने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर इनके बारे में, और कुछ मीम्स भी शेयर किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक यूजर ने अमिताभ बच्चन का मीम शेयर करते हुए परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बत कह दिया। वहीं एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा कि वो अगर बैंक से लोन लिया है तो वापस करना जरूरी है क्या। वहीं दूसरे यूजर की बात करें तो उन्होंने लिखा कि कम टू इंडिया ब्रो। वहीं कुछ ने लिखा, घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। मतलब ऐसा देखा जाए तो लगभग बहुत सारे यूजर्स ने ऐसे काफी मीम शेयर किए हैं जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ यूजर ने SBI का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि तू कभी बैंक वर्किंग डे पर मिल। तो ये थी कुछ मीम्स जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसमें 1600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज अकेले SBI ने दिया था। इसके बाद PNB जिसने 800 करोड़ का कर्ज दिया था, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है IDBI बैंक जिसने 650 करोड़ रुपए का लोन दिया था। माल्या इस समय लंदन में है और सरकार माल्या को वहां से लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।